बाबर आजम पे जितना मर्जी प्रेशर था नहीं था, बाबर आजम ने अपनी टीम चुनी नहीं चुनी हमें नहीं पता, बट द फैक्ट इज कि बाबर के पास ये वर्ल्ड कप था। और एक क्रिकेटर का ना ड्रीम होता है कि मैं मतलब जहां पर नीचे लग गई टीम, इतना बड़ा मैच और मैं जाऊंगा जिताऊंगा। यार आज 134 रन आपके ओपनर्स ने दे दिए 21 ओवर में, आप 368 चेज कर रहे हो यार, which is impossible, मैं मानता हूँ impossible है, पर ऐसा नहीं है कि 368 कभी चेज नहीं हुआ। चेज नहीं। आपके ओपनरों ने, हम तो कह रहे थे 50 रन दे दें, 134 दिए 21 ओवर में। वहां पर सिंपल मैथ क्या कहती है, 234 रन रह गए, 29 ओवर है, और विराट के पास दो बहुत बड़े हथियार हैं बल्ले के अलावा। एक तो है उनके माइंड में जो कैलकुलेटर होता है, और उनके हाथों में जो कंपस होता है, कंपास पूरा घूमता है ना, घूमता 360 कहां पे लेके जाना है। बाबर को ना आज मैच जिताना था, बट मैच ना जिताते लेके जाते, पता है क्या होता है सर, माइंडसेट आई थिंक, मतलब अब ये दोनों खेलते हैं एक ही टीम से, बाबर भी खेलते हैं रिजवान भी खेलते हैं, बट एटलीस्ट क्या होता है आप जब दोनों को आप देखोगे स्किल वाइज तो बाबर बहुत ऊपर है रिजवान से, बट जो माइंडसेट वाली चीज होती है ना कि यार मैं जाऊंगा मैं मैच, उसमें ना रिजवान ऐसा नहीं है, उन्होंने रन बनाए। अब मैं देखता रहता हूँ यार, पाकिस्तान अरसे से नंबर वन था, बाबर पता नहीं कितने अभी भी नंबर वन ही है, नंबर रैंकिंग बाबर ऐसा नहीं है कि हल्के प्लेयर है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आज के बाद डिबेट हम तो चलो छोड़ो भाई, हमने मैंने डिबेट में कभी ये नहीं कहा था बाबर विराट से बड़े हैं, आपने भी नहीं, किसी ने नहीं कहा, बड़ी डिबेट चलता था, होती थी, ये चलता था फैब फोर में, अब नए बाबर आ गए हैं। और भाई विराट कोहली आज भी ना, नहीं विराट कोहली तो सर कोसो मैं वही कह रहा हूँ, खराब दौर में रन तो आ ही रहे थे ना, और मेलबर्न तो फिर था ही, अब वरना पहले 13-14 महीने